क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जो चीजें आपके ख्यालों में आती हैं, वो आपके पिछले जन्म से जुड़ी हुई हैं? शांति देवी, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1926 में दिल्ली में हुआ था, वो बचपन से ही घर वालों को बताती थी कि उनका असली घर मथुरा में है। उनका ये भी कहना था कि पिछले जन्म में उनके पति के बाई गाल पर एक तिल था और उनके कपड़ों की दुकान थी। साथ ही साथ अपने बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। उनकी बातों को तो पहले सबने नजरअंदाज किया, लेकिन उनके स्कूल के हेडमास्टर ने मथुरा जाकर छानबीन शुरू करने की ठानी। मास्टर साहब को शांति देवी द्वारा बताए गए स्थान पर एक व्यापारी केदारनाथ मिले, जिनकी बाई घाट पर तिल था और उनकी कपड़ों की दुकान भी थी। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पत्नी लुगड़ी देवी की मौत उनके बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद ही हो गई थी। तो अगर आप इस कहानी के अगले पहलू को जानना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं, और तब तक के लिए सब्सक्राइब करें थिंक भारत।